नमस्कार एमपी अब तक के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। एक तरफ पूरे एमपी में नौतपा कहर बरपा रहा है, लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। इस बीच अचानक कई जिलों में तेज आंधी और बारिश ने कहर बरपाया। तेज आंधी और तूफान में कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। रतलाम में आंधी में टिन के पतरे उड़ गए। रतलाम के जावरा में पेट्रोल पंप के पास खड़े युवक पर टिन का चद्दर उड़कर लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। तो वहीं नीमच में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई, करीब 10 मिनट से ज्यादा समय तक बारिश का दौर चला। तो वहीं खंडवा में नौतपा के दूसरे दिन भी मौसम का मिजाज बदला और ओंकारेश्वर में तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। इसी के साथ खालवा में हवा आंधी के साथ तूफान आया, जिसमें कि कई पेड़ धाराशायी हो गए। एक तरफ नौतपा, कहा जा रहा था कि भीषण गर्मी पड़ेगी, प्रचंड गर्मी, पारा जो है 45-50 के पार जाएगा। तो दूसरी तरफ वो शहर जहां पर रेड अलर्ट लू को लेकर जारी किया गया था, वहां पर तेज आंधी तूफान और बारिश का सिलसिला दिखाई दिया। ये आपको तबाही का मंजर हम दिखा रहे हैं कि 10 मिनट की बारिश ने कितनी तबाही मचाई है। 10 मिनट झमाझम बारिश हुई और पूरे इलाके में हर तरफ पानी ही पानी, लोग भीषण गर्मी से परेशान तो हैं। इस बीच बारिश से उन्हें राहत तो मिली है, लेकिन उतना ही नुकसान भी हुआ है। तेज आंधी और तूफान में कई जगहों पर नुकसान की तस्वीर है। रतलाम में आप देख सकते हैं किस तरीके से टिन के पत्रे उड़ गए। ये तीन तस्वीर अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देखिए, जिस पर कि बकायदा ये लिखा रहता है कि कहाँ कितनी किलोमीटर दूर कौन सा शहर पड़ने वाला है। ये जो साइन बोर्ड है वो सीधे रोड पर गिर गया, जिसके चलते आवाजाही बाधित हुई है। रतलाम में देखिए किस तरह की का नुकसान हुआ है और मौत भी बताई जा रही है एक व्यक्ति की। तो वहीं नीमच में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई है, करीब 10 मिनट से ज्यादा समय तक बारिश का सिलसिला देखने को मिला है। और इधर बुरहानपुर और हरदा में भी अचानक से मौसम ने करवट ली और दोनों जगहों पर भारी बारिश हुई है। बुरहानपुर में नौतपे के दूसरे दिन भारी बारिश हुई है। घने बादलों की गर्जना के बीच आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश, झमाझम बारिश में मौसम में ठंडक तो आई और लोगों को उमस से राहत मिली। तो वहीं हरदा जिले के खिरकिया में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। आंधी में मुख्य मार्ग पर लगे होर्डिंग और पेड़ गिर गए, कच्चे मकान के टिन उड़ गए। खिरकिया में कच्चे मकान की दीवार गिरने से दो छोटे बच्चे सहित 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक तरफ राहत, दूसरी तरफ आफत। ये दो तस्वीर आप देखिए कैसे लोग राहत की सांस ले रहे हैं कि गर्मी से राहत मिली है, बारिश के होने की वजह से मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है। कई बार कुछ जगहों पर तो बिजली इतनी ज़्यादा कटने लग रही है कि गर्मी की वजह से लोग परेशान हो जा रहे हैं, लेकिन मौसम क्योंकि ठंडा हुआ है तो बिजली चाहे कितनी भी कटे इसका असर कम ही दिखाई देगा लोगों पर। दूसरी तरफ आफत इसलिए क्योंकि ये साइन बोर्ड्स जो आप देख रहे हैं सड़कों पर लगाए जाते हैं, आंधी तूफान की वजह से ये भी सड़क पर गिर गए। वो भला कि जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कई जगहों पर जनहानि भी हुई है और कई लोगों के घर उजड़ गए हैं क्योंकि टिन शेड्स जो होते हैं वो लगाए जाते हैं और आंधी तूफान की वजह से वो भी उड़ गए। बुरहानपुर और हरदा की तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले आपको हमने रतलाम की भी तस्वीर दिखाई और किस तरीके से तबाही का मंजर। तो दूसरी तरफ लोग खुश भी हो रहे हैं कि मौसम सुहाना हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में तो ये किसी आफत से कम नहीं है। हर तरफ पानी ही पानी होने की वजह से कनेक्टिविटी जो है शहर से लेकर गांव तक, उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आती है। और अब आंधी और बारिश की वजह से आप देखिए होर्डिंग पेड़ गिर गए हैं, टिन भी उड़ गए हैं। प्रवीण तंवर हरदा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, गणेश कुमार बुरहानपुर से हमारे साथ हैं, अमित जायसवाल खंडवा से हमारे साथ हैं। हमारे तमाम संवाददाता जो बताएंगे कि नौतपा का तो दौर है लेकिन बारिश ने अचानक से सरप्राइज कर दिया। प्रवीण तंवर हरदा से हमारे साथ हैं। प्रवीण, मौसम का मिजाज झट से बदला और यहाँ पर एक तरफ राहत है तो दूसरी तरफ आफत। जो लोग घायल हुए हैं उनको जिला अस्पताल लाया जा रहा है। आप देखिए जो लोग चोटिल हुए हैं उनको यहाँ पर स्ट्रेचर के द्वारा ले जाया जा रहा है। लगभग 4 बच्चों सहित यहाँ पर 6 लोग कुल घायल हैं। जो बारिश आंधी तूफान जो के साथ जो बारिश हुई
उसमें जो मकान गिरे उसमें ये लोग घायल हुए। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा कि हरदा जिले का जो खिड़किया ब्लॉक है वहां पर जो है बारिश आज आफत बन के आई, जहां एक और गर्मी से लोगों को राहत मिली लेकिन इस बारिश के कारण काफी तबाही हुई। वहां पर जो पेड़ थे वो गिर गए। चारवा में जो सप्लाई लाइन है उससे करीब 50 गांवों की लाइट जो है वहां पर चलती, वो लाइट 30 KV की वो पूरी तरीके से गिर चुकी है, जिसके कारण कई गांवों की लाइट यहां पर बंद हो चुकी है। साथ ही कुछ गांवों में जो है मकान गिरे हैं, खिड़कियां में मकान गिरे हैं, वहां पर चद्दरों के टीन उड़ गए हैं, मकानों की दीवार गिरने से बच्चे घायल हुए हैं, लोग घायल हुए हैं। काफी भयावह दृश्य यहां पर जो है बारिश के कारण दिखा दे रहा है। हम आपको दिखाते हैं जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 2 और 3 साल के बच्चे हैं जो यहां पर घायल हुए हैं, उनका इलाज हमारे जिला अस्पताल में जारी है। हालांकि उनको हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बच्चों को किसी तरीके से कोई ठीक है प्रवीण, वहां पर आप लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। गणेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं बुरहानपुर से। गणेश, मौसम का मिजाज चुटकियों में बदला, कहते हैं पलक झपकते ही बदला। नौतपा को लेकर तो लोग टेंशन में थे कि इतनी गर्मी होगी, कैसे इस गर्मी का सामना किया जाएगा, लेकिन बारिश ने सरप्राइज दे दिया। अंशिका, बताना चाहूंगा कि जहां नवतपे की गर्मी जो है, जहां मध्य प्रदेश सहित देश भर में जो है वो लोगों के लिए एक सबब बनी हुई है, लोगों को एक टेंशन था कि नवतपे की गर्मी जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन बुरहानपुर में जो है मौसम ने अपना मिजाज बदला और यहां पर कल से जो है वो झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। तूफान आया, रेमल तूफान जो है उसका असर यहां पर देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ काफी नुकसान हुआ है। किसान जो है वो बर्बाद हो गए, किसानों की लाखों रुपयों की केला फसलें जो है वो बर्बाद हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने जो है उन्हें भरोसा दिलाया है कि वो जल्द ही सर्वे करा के जो है उन्हें उचित मुआवजा देने का प्रयास करेंगे। अंशिका, ठीक है। अमित जायसवाल खंडवा से जुड़े हुए हैं। अमित, खंडवा में तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था लू और गर्मी को लेकर, लेकिन यहाँ पर भी बारिश? जी बिल्कुल अंशिका, मैं बता दूं कि निमाड़ की अगर बात करें तो निमाड़ के चारों जिलों में मौसम बदल रहा है। खासतौर से खंडवा की बात करें तो तापमान अभी भी 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आया है, लेकिन नौतपा के पहले और दूसरे दिन लगातार ये हुआ है कि शाम होते से ही मौसम बदला है। और कल जहां जावर क्षेत्र में और जसवाड़ी क्षेत्र में काफी कुछ नुकसान हुआ था, तो आज ओमकारेश्वर में राहत की बारिश हुई। वहीं खालवा में तूफान आया, कई पेड़ धराशायी हुए हैं, रास्ते पर भी पेड़ गिरे हैं, तो वो साफ किए जा रहे हैं। ये जो मौसम में बदलाव है कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए भी बड़ा चिंता का विषय है कि एकदम तेज धूप हो रही है। निमाड़ को गर्मी और जो है मिर्ची के लिए जाना जाता है, तो यहाँ की जो गर्मी है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही है, और जब मौसम बदल रहा है कल और आज शाम को तो ये कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, खराब मौसम के चलते इंदौर में हवाई यात्रा बाधित हो गई है। इंदौर एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा बाधित हुई है, लैंडिंग और टेक ऑफ विमान नहीं कर पा रहे। हैदराबाद से इंदौर आ रहा विमान डाइवर्ट किया गया, इंडिगो की फ्लाइट को भोपाल में उतारा गया है, क्योंकि अभी मौसम सही नहीं है। मौसम का मिजाज अचानक से बदला, तेज आंधी तूफान बारिश की वजह से डाइवर्ट किया गया है। हैदराबाद से इंदौर आ रही फ्लाइट को भोपाल में उतारा गया, भोपाल में इसकी लैंडिंग कराई गई है, और जैसे ही मौसम सही होगा उसके बाद वापस से इंदौर लैंड करेगा ये फ्लाइट। और इस बीच बुरहानपुर के किसानों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सहायता का भरोसा दिया है। बुरहानपुर जिले में चक्रवाती तूफान से प्रभावित किसानों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आर्थिक सहायता का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स और फेसबुक हैंडल के जरिए जिला प्रशासन और राजस्व अधिकारियों को जल्द सर्वे कराने के निर्देश दिए। सीएम ने सर्वे के अनुसार जल्द ही पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बुरहानपुर की विधायक पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री मोहन यादव का ध्यान इस ओर दिलाया था। शनिवार को चक्रवाती तूफान से बुरहानपुर जिले के 2 दर्जन गाँवों में केले की फसल धराशायी हुई थी। कईयों गांवों के सैकड़ों किसानों की केली पूरी तरह से धराशायी हो गई। मेरे किसान भाइयों, हिम्मत तो रखनी ही होगी। मेरी बुरहानपुर कलेक्टर से बात हुई है, वह जल्द से जल्द सर्वे किए दल गठित कर और आकलन वह सही तरीके से करें।
और अब खबर विदिशा से है, जहां एएसआई शिव प्रसाद का रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है। रिश्वत लेने का वीडियो न्यूज 18 के पास है और वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने फोन पर 1 लाख मांगा और 2000 रिश्वत ली। दो सगे भाइयों के झगड़े में पिता से रिश्वत ली है। दो भाइयों का झगड़ा निपटाने के लिए रिश्वत ली गई। एएसआई गंज बसौदा उदयपुर सहायता केंद्र प्रभारी हैं और उनका वीडियो भी आप देखिए, कैसे वो पैसा लेते नजर आ रहे हैं, इसे रिश्वत लेते नजर आए हैं। और अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है न्यूज 18 के पास, ये वीडियो जिसमें कि आप देख सकते हैं कि झगड़ा सुलझाने के नाम पर रिश्वत ली जा रही है। क्या मामला है बताओ, तो बोले के लगे उधर उसको इधर ही लेके आओ, राहुल को। उन्होंने कहा दोनों बच्चे हैं हमारे और हम नहीं समझा लेंगे साहब, और हम गरीब आदमी हैं। तो बोले के लगे कि आप लेकर आओ, नहीं 5 दिन ही जेल जाएगा। तो मैंने कहा साहब आपकी व्यवस्था कर देंगे हम खर्च पानी। तो बोले के लगे नहीं 1 लाख रुपए लेके आओ। तो 1 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, तो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कुछ दिन पहले से मेरा बच्चा भी नहीं है। रायसेन में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने उत्पात मचाया। बड़ी संख्या में हथियारबंद बदमाशों ने मारपीट की है। सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी में तोड़फोड़ की है। इधर उधर भागते भी पेट्रोल पंप पर दिखाई दे रहे हैं ये बदमाश साथी कर्मचारी। डर रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं। घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। सिलवानी पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है। इंदौर के संयोगितागंज इलाके में युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। युवक से मारपीट का आरोपियों ने वीडियो भी बना लिया है। पेट्रोल पंप के पास का ही ये वीडियो बताया जा रहा है। मारपीट के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। संयोगितागंज पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो वही रायसेन में पीएचई विभाग के दफ्तर में चिकन पार्टी की गई है। ऑफिस में चिकन पार्टी करते कर्मचारी नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। एक तरफ बूंद बूंद को तरस रहे हैं ग्रामीण, दूसरी तरफ विभाग चिकन पार्टी कर रहा है। जिम्मेदारों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और कर्मचारियों को कोई डर भी नहीं है कि ये विभाग जहां वो काम करने आते हैं यहां पर पार्टी चल रही है।